दोस्तों ये जो होल आप देख रहे हो, इस होल के अंदर ट्यूब का वाल डालते हैं और वाल डालने का सही तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो नए नए टायर का काम सीखते हैं उनको वाल डालने का सही तरीका नहीं मालूम है, तो दो तरीका इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों टू व्हीलर में जितने भी प्रकार का ट्यूब वाला टायर है, सभी टायर में यही दो तरीका को अपनाया जाता है ट्यूब का वाल डालने के लिए। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ इनमें से कोई भी आपका एक फेवरेट हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वाल किस तरह से डालते हैं। दोस्तों वाल को घुसाने के लिए आपको एक टायर लीवर लेना पड़ेगा। सबसे पहले एक टायर लीवर अपने हाथ में पकड़ लीजिए और एक पैर जो है ना मैकबिल के अंदर इस तरह से डाल दीजिए और टायर लीवर जो है ना दूसरे साइड से जो मैकविल का कॉर्नर है उस साइड फंसा करके और टायर को बेंड करना है। बेंड किस तरह से करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख लो दोस्तों, टायर का जो कन्नी है दूसरे साइड से मैं उसको बेंड कर लिया हूँ और स्क्रू ड्राइवर जो टायर लीवर मेरा है वो टायर लीवर दूसरे साइड से मैकविल के जो कॉर्नर होता है उसमें फंसा हुआ है। और इस तरह से आपको बेंड करके और फिर वाल आप डाल सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। और वाल डालने से पहले ये टायर लीवर पर आपको पैर रख देना है, ऐसा ना हो कि वाल डालने के टाइम पर आपका मुंह झड़क जाए। मुंह झड़कने का मतलब ये है कि वो स्क्रू ड्राइवर छटकेगा तो आपके मुंह में चोट भी लग सकता है या किधर भी चोट लग सकता है। इस तरीके से वाल को आप डाल सकते हो टायर लीवर की मदद से, जो कि आप देख सकते हो कितना इजी स्टेप मैं आपको बताया हूँ। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से वाल देखिए बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो है ना दोनों साइड से आपको पहले ट्यूब डाल देना है, यानी वाल के पास का जो नज़दीक वाला जो ट्यूब है इसको सबसे पहले डाल देना है। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये ट्यूब मैं निकाल लेता हूँ। ये ट्यूब निकालने के बाद दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन के जरिए ये वीडियो पहुंचती रहेगी। दोस्तों ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पर वाल का जो होल है वहीं पे आपको सबसे पहले ट्यूब डालना है। और ट्यूब कौन सा वाला डालना है, जहाँ पर वाल फिटिंग है यानी जो ट्यूब का वाल होता है उस वाल को अंदर डालना है। तो आप देखिए किस तरह से मैं अपने हाथ के मदद से डायरेक्ट डाल रहा हूँ बिना किसी मदद से और बिना किसी सहारे से। तो देख सकते हो किस तरह से मैं इसका वाल आराम से डाल दिया हूँ। तो इस तरह से आप भी डाल सकते हो। ये दो तरीका है। हो सकता है कि आपको इनमें से कोई भी नहीं पता होगा या ऐसा भी होगा कि इसमें से दोनों आपको पता होगा, लेकिन जो तरीका मैं दूसरे नंबर पे बताया हूँ ये तरीके से मैं खुद वाल डालता हूँ ट्यूब का। तो चलिए मैं इस टायर को फिटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों टायर फिटिंग करने के बाद, जो ट्यूब वाला टायर होता है उसको फिटिंग करने के बाद एक गलती हमसे और आपसे ज़रूर होती होगी। वो क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखिए टायर को मैंने फिटिंग कर दिया लेकिन वाल के पास ट्यूब चढ़ा हुआ है। तो इसको सही से सेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, तो स्क्रू ड्राइवर इस तरह से डालिए और पीछे की ओर टायर को दबाइए और इस तरह से वाल खींचिए और थोड़ा सा ठोकोगे तो एकदम परफेक्ट एकदम लेवल में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।